हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार शमित, तुझे अकल नहीं है क्या? गाड़ी धीरे धीरे चलाना। अरे यार, तेरे जैसा पट्टू मैंने आज तक नहीं देखा है। पहले कहते गाड़ी तेज चलाओ और अब हवा निकल गई ना। अरे यार, ऐसे लोगों के साथ तो एंजॉय भी नहीं कर सकते। मैं तो आज के बाद इसके साथ कभी पार्टी को नहीं जाने वाला। हाँ यार, पहले पार्टी में लेट पहुँचते और बाद में घर जाने की जल्दी पड़ी रहती है। भाई ऐसी पार्टी ना हमेशा नहीं होती है। लाइफ को एंजॉय करना सीख यार, एंजॉय करो लाइफ को। बस बस, ये भाषण मत दे और आगे देख के गाड़ी चला, समझा ना? शमित, ये क्या किया? क्या किया तूने? ये मैंने वो अचानक। अरे वो छोड़, इसको हॉस्पिटल लेके चल। देखे अविनाश, मुझसे बातें करो। अविनाश उठो ना, अविनाश उठो, अविनाश तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं किसके सहारे? उठो उठो अविनाश, उठो अविनाश, आगे बोलो अविनाश। संभाली अपने आप को अविनाश। किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा मेरे पति को? एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। खून किया इन लोगों ने मेरे पति का, खून किया है। बॉडी पे तो जगह जगह चोट के निशान है। निशान तो है मगर इसकी मौत इस चोट की वजह से हुई है ऐसा लगता नहीं है। सर ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। बॉडी को सारुंगा साहब के पास भिजवा दो, वही हमारा शक दूर करेंगे। फिर इसकी वाइफ से बात कर लेते हैं। सविता जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, खून है? सर कल मेरे पति और मैं मार्केट गए थे और अविनाश ने अपनी बाइक इनके गाड़ी के सामने खड़ी करी थी। जब हम मार्केट से लौटे तो वो लोग अविनाश के साथ झगड़ा करने लगे। सर छोटी मोटी कहा सुनी को लेके कोई किसी की जान ले सकता है क्या? बुद्धि से काम ले तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर भी हकीकत क्या है ये तो उन तीनों लड़कों से ही पता चलेगा। मेरा आईएएस बनने का सपना ऐसे ही रखा रह गया। मेरे माँ बाप कभी सर उठा के जी नहीं सकेंगे, उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग उन्हें खूनी का बाप बोलेंगे। खून करोगे तो खूनी ही कहलाओगे ना। इज्जत और बेइज्जती की इतनी फिक्र थी तो कार आराम से चलानी चाहिए थी, किसी की जान तो नहीं जाती। कौन चला रहा था कार?
सर ये चला रहा था। अच्छा और शौक है तुम्हें हवा से बातें करने का, भगा रहा था गाड़ी, तेज चला रहा था? नहीं सर, तेज नहीं चला रहा था। सच बोल रहे हो तुम? हाँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ, 50-60 से ज्यादा की स्पीड नहीं थी सर। इस एक्सीडेंट में हमारी कोई गलती नहीं है सर। तो क्या अविनाश तुम्हारी गाड़ी के सामने खुद चल के आया मरने के लिए? हाँ सर। क्या? अविनाश खुद चल के तुम्हारी कार के सामने आता है मरने के लिए? हाँ सर। सर डॉक्टर सालुंके ने लाश को चेक किया है, अविनाश की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। क्या? हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, आखिर आपने सुन ली मेरे मन की। मुझे तो पहले ही पता था कि खून हमारी कार से हुआ ही नहीं। तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था कि खून तुम्हारी कार से नहीं हुआ? सर जब कल रात हम पार्टी करके घर वापस आ रहे थे और जैसे उस जगह पर पहुंचे तो मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, ब्रेक भी लगाए सर, मगर हल्की सी कार उसे लगी गई। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, ये देखो खून पड़ा हुआ यहाँ पे। जरा आसपास नजर मारो। सचिन पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके पूछो, उनसे पूछो यहाँ से उन्हें कुछ मिला है क्या। लड़के बोल रहे थे कि अविनाश उधर से भागता हुआ आया। इस सुनसान रास्ते पे कहाँ से भाग के आ रहा होगा? सर यहाँ से, सर पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि उसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा सर, खून के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं? एटीएम मशीन, एटीएम पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है सामने, तो सिक्योरिटी गार्ड ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। सर ये देखिए सीसीटीवी कैमरा। या सीसीटीवी कैमरा। एक काम करो सचिन, ये जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है उसे पूछो कल रात किसकी ड्यूटी है, उसको फोन करके बुलाओ, और बैंक के मैनेजर से बोलो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है हमें। रुकना जरा, देखा ये अविनाश पीछे देख रहा है। चलो सर अब दोबारा पलटे, डरा हुआ भी है, इसका मतलब कोई इसके पीछे पड़ा हुआ था। एक काम करो थोड़ा पीछे लो, फिर से चलो। इसके हाथ में कुछ है मगर ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा। रुको जरा, रुको थोड़ा पीछे लो, हाथ पे जूम करना जरा। कुछ बैग जैसा है और ब्रीफकेस है इसके हाथ में। पूरा पीछे लो और फिर ऑन। बिल्कुल मौका था ही नहीं, अचानक सामने आ गया। बच्चे सही कह रहे थे। मगर सर वो बैग कहाँ है? अरे हाँ, बैग कहाँ गया? फिर से चला ना ये फुटेज, पीछे जाओ। हाँ देखा, बैग कैमरे से बाहर जाके गिरा। तो सर हमने एक्सीडेंट वाली जगह को अच्छे से चेक किया है, ना कोई ब्रीफकेस मिला है ना कोई बैग मिला है। हाँ सर, और बच्चों ने भी बैग नहीं उठाया। वही आदमी बैग उठा के लेके गया होगा जो अविनाश का पीछा कर रहा था। लेकिन सर वो आदमी फुटेज में दिख नहीं रहा है। उसको मालूम था यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चुपके से आया बैग उठाया और निकल गया। ऐसा क्या है उस बैग में जिसकी वजह से कोई उसका पीछा कर रहा है? कुछ ना कुछ तो कीमती होगा फ्रेडी, जिसकी वजह से अविनाश को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिक्र मत कीजिए सविता जी, ऐसा कोई अपराधी पैदा नहीं हुआ जो कानून के शिकंजे से बच सके। मेरे पति ने आज तक किसी को दुख नहीं दिया था, वो दिन रात लोगों के घर बनाने में लगे रहते थे। घर बनाते थे मतलब क्या काम करते थे? वो बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। किसी एक कंपनी के लिए काम करते थे या अलग अलग कंपनियों के लिए? फिलहाल एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे थे, गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब कल काम पे से लौटते वक्त खून हो गया उनका? नहीं नहीं सर, कल तो वो काम पर गए नहीं, वो कल उनकी छुट्टी थी।
तो फिर कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता सर, एक फोन आया, उन्होंने सुना, फिर वो चले गए। और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कितने बजाया था ये फोन? ये कुछ शाम के 8-8 बजे। किसने किया था फोन? मुझे नहीं पता सर। आपने कुछ बात सुनी? फोन पे क्या बात कर रहे थे? नहीं सर, वो उन्होंने मेरे सामने कोई बात ही नहीं की, फोन पर बात करते वो बाहर चले गए। और फिर आप अविनाश का फोन नंबर दीजिए। पूर्वी, नंबर ले लो, मोबाइल कंपनी को फोन करो, पता करो 8-8 बजे किसका फोन आया था। मुझे ऐसे क्या बात हो सकती है जो बात करने के लिए फोन लेके बाहर गया? या जिसका भी फोन आया था उसका अविनाश के खून से कुछ ना कुछ संबंध है। दीदी, 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 सविता दीदी, दीदी, मैं बर्बाद हो गई दीदी। क्या हुआ क्या? दीदी, मेरे पति का कोई भी अता पता नहीं है। काशी ने कहा? हाँ, मैं सुबह से उनको फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। दीदी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनके साथ? देखिए, घबराइए मत, हमें बताइए कैसे गायब हुआ आपके पास। हम लोग सीआईडी से हैं, हम ढूंढेंगे उन्हें, बताइए। सुबह वो घर से निकले थे, उसके बाद कहाँ गए कुछ भी नहीं मालूम। काम कहाँ करते हैं आपके पति? अविनाश भैया के साथ काम करते थे। सर, अजीब बात है, एक ही कंपनी में काम करने वाले दोनों लोग, एक का खून हो जाता है और दूसरा गायब हो जाता है। सर, जिस नंबर से अविनाश को फोन आया वो नंबर इस काशी का ही है। काशी का नंबर? काशी ने अविनाश को फोन करके बुलाया और अविनाश का खून हो गया और अब खुद काशी गायब है। और सर, फोन की घंटी बज रही है मगर काशी फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, हम लोग खुद जाएंगे उसके पास। इस फोन की लोकेशन पता करो। सारी कीले सिर के अंदर, ये आदमी भागे जा रहा था। ये देखो, एक कीला थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। बॉस, इस कील को देख करके और ये बाकी के जो जख्म है इन्हें देख करके शायद ये अंदाजा लग सके कि आखिर कील गई कैसे है इसके सिर के अंदर। इतने कील घुसे हैं अंदर, फिर भी मौत ऐसा ऐसा हुई बेचारे की। पता नहीं कौन सी जगह पर कीले ठोकी है किसी ने इसके सर में और वहां से भागता भागता ये सड़क तक आया। सर, मुझे एक केस याद आ गया जिसमें एक आदमी जिंदगी भर एक कील अपने ब्रेन में लिए जी रहा था। सर, डॉक्टर ने कहा कि वो कील जैसे है उसे वैसे ही रहने दो, अगर उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद ब्रेन डैमेज हो जाए। यार साड़ू के, ये सारे कीले एक साथ तो नहीं घुसे अंदर? नहीं बॉस, कीलों के घुसने का एंगल जो है उससे तो ये नहीं लगता है कि कीले एक साथ गई है इसके सर में। हथौड़ा मारा किसी ने? नहीं दया, ये देखो कीले कितनी अंदर तक घुस गई हैं, हथौड़े से कीले इतनी अंदर नहीं जा सकती। सर, ये कीले किसी मशीन से घुसाई गई है इसके सर में, एक एक करके। मतलब दया, ये खून है खून। हाँ सर, मगर इतने भयंकर तरीके से मारा इसे। ये देखिए सर, ये इतनी बड़ी बड़ी कीले हैं इस बेचारे के सर के अंदर। माय गॉड, दर्द के मारे इतना चिल्लाया होगा बेचारा, मगर किसी ने सुना कैसे नहीं? सर, खोपड़ी में इतने कीले डालने के बाद भी आदमी वहां से भाग निकला। जान बचाने की इच्छा में बहुत ताकत होती है दया, अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मगर सर, ऐसी कौन सी मशीन होगी सर जिससे इसके सर में कीले ठोकी गई होंगी?
नेल गन से। सर अब तो ये साफ हो गया है, अविनाश का खून एक्सीडेंट से नहीं हुआ है सर, नेल गन से हुआ है, नेल गन से। ये कारपेंटर में काम आने वाली नेल गन से खून कर दिया? हाँ, जहां पर बिल्डिंगें बनती है वहां पर लकड़ी का काम तो होता ही है। हाँ सर। ये अविनाश जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था, लगता है वो कीले भी वहीं पर ठोके गए हैं, वहीं पर। सर अविनाश को काशी ने फोन करके बुलाया था, इस काशी को ही कुछ ना कुछ मालूम होगा। ये काशी कुछ गड़बड़ है सर, जब से उसने अविनाश को बुलाया तब से वो खुद भी गायब है। सर काशी का मोबाइल लगातार चलता ही जा रहा है सर, बार बार अपनी जगह बदल रहा है। कल 11 बजे ये मोबाइल मुंबई में था और ठीक 4 घंटे के बाद पुणे में। फोन करके पुणे भाग गया सर। हाँ सर, मगर वहां पे रुका नहीं, कल फिर से मुंबई आया था और आज सुबह वापस पुणे चला गया। अजीब आदमी, ये खून करने के बाद कोई बीमारी लग गई क्या इसे, बार बार वापस आ रहा है। अभी कहाँ पे है ये फोन? सर इस वक्त वो मोबाइल पुणे से मुंबई की तरफ आ रहा है। तो अभिजीत बीच रास्ते में उठाओ उसे। मगर पकड़ेंगे कैसे सर, हमें तो ये भी पता नहीं कि वो सफर कौन सी सवारी में कर रहा है। रेडी, इस काशी के पास कोई कारोबार तो है नहीं, और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उसे 4 घंटे लग रहे हैं, तो फिर वो जरूर किसी बस में ही होना चाहिए। हाँ सर, बस को ही 4 घंटे लगते हैं। तो बस अभिजीत एक काम करो, पुणे से मुंबई जितनी भी बसें आ रही हैं, सारी की सारी बसें चेक करो, जरूर किसी ना किसी बस में तो होगा ये काशी। ओके, थैंक यू वेरी मच। पुणे से मुंबई के बीच में इस वक्त 3 बसें आ रही हैं, ये काशी उन तीनों में से किसी एक में होगा। एक एक पैसेंजर को अच्छी तरीके से चेक करना, फोटो से मैच करके देख लेना। ओके, बस आने ही वाली होगी। सर बस आ रही है सर। ठीक है उतरो। कौन है आप लोग, गाड़ी क्यों रोकी? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, बस चेक करनी है। जरा ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? ये बस में है क्या? पता नहीं साहब, आप खुद चेक कर लो अपने आप। चलो उतर। सॉरी मैडम। सर नहीं है, नहीं है। ये तो ये जो प्लास्टर है ना, वो जरा सही करवाओ। हाँ ठीक है, नहीं तो सर का बाम्बू भी देखो लूज लग रहा है। हाँ, और ये सब पूरा होना चाहिए। बोलिए भाई साहब, क्या काम है आप? मैं इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से क्या बात है? अविनाश के खून के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। अविनाश का खून? जी हाँ, आपको पता नहीं है? मुझे तो किसी ने नहीं बताया, किसने किया अविनाश का खून? अगर ये पता चल जाता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते? आप बताइए, कौन कर सकता है अविनाश का खून? मैं कैसे बता सकता हूँ सर, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर एक दिन अविनाश जी का झगड़ा हुआ था। किसके सर? आइए सर मैं आपको बताता हूँ। तुम इस काम में एक्सपर्ट हो ना? ये नेल गन कोई और भी चलाता है? नहीं सिर्फ मैं ही चलाता हूँ। सर अविनाश की मौत भी नेल गन से हुई थी, कहीं खून इसी ने तो नहीं किया? नहीं मैडम,
मैंने अविनाश को कुछ नहीं किया। मैं भला उसका खून क्यों करूंगा? वो हम पता लगा लेंगे। ये नेलगन यहाँ से कोई बाहर ले जा सकता है? नहीं सर, यहाँ 24 घंटे की सिक्योरिटी है, कोई सामान बाहर नहीं जाता। अविनाश की मौत नेलगन से हुई है और यहाँ पे नेलगन है, मतलब जो कुछ हुआ है यहीं पे हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है ये तो काशी ही बताएगा। अरे साहब, बिना टिकट कोई भी नहीं है। फिर भी चेकिंग तो करनी पड़ेगी। हम लोग सीआईडी से। ठीक है सर, जो करना कीजिए। सर, बस में तो नहीं है। सर कैसे हो सकता है? सर कहीं उतर तो नहीं गया? ये पनवेल से लेकर यहाँ बीच में कोई आदमी उतरा तो नहीं? नहीं सर, कोई नहीं उतरा। रेडी, फोटो दिखाओ। ध्यान से देखना। साहब, ये आदमी तो कल हमारी बस में आया था। पक्का याद है? जी साहब, और बीच रास्ते में कल ही उतर गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसने पुणे का टिकट लिया था। ये पुणे गया नहीं क्या? मेरे मना करने के बाद भी नहीं माना साहब, बीच जंगल में बस रोकनी पड़ी साहब। जंगल में? ये जंगल में ही उतर गया क्या? जी साहब। अकेला था या इसके साथ में कोई और भी था? अकेला ही था साहब, और चुपचाप बैठा हुआ था साहब। ऐसा लग रहा था कि घर से झगड़ा करके आया। समझे सर, ये काशी कल ही इस बस से उतर गया था और उसका फोन रह गया इस बस के अंदर, इसीलिए फोन मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई के बीच में घूम रहा है। फोन अभी भी बस के अंदर होगा, उसको ढूंढते हैं। प्लीज आप लोग उठिए, प्लीज प्लीज जाइए सब लोग प्लीज। ये आदमी बैठा कहाँ? सब वो वाले सीट। हाँ जी। सचिन, जरा काशी का नंबर डालकर। सर रिंग तो जा रही है। बेल बज रही है। हाँ सर। इसका मतलब साइलेंट पे है क्या? काशी का फोन। कंडक्टर साहब, आप हमारे साथ वहां पे चलिए जहां पे काशी उतरा था। ड्राइवर साहब, आप पैसेंजर को लेके जाओ, ये आपको बाद में ज्वाइन करेंगे, मैं आपके साहब से बात कर लेता हूं। आइए आप। साहब यहां पे उतरा था। यहां पे? जी। इतनी सुनसान जगह पर क्या करने के लिए उतरा होगा? देखो ना साहब, मैंने तो मना भी किया था मगर वो माना ही नहीं। पुणे का टिकट लेके यहाँ जंगल में उतरा? हाँ सर, अगर यहाँ उतरना तय किया था तो यहाँ की टिकट लेता, पुणे की टिकट क्यों लेता? मगर बोला किसने होगा सर उसे उतरने के लिए? ये तो कह रहे कि मुंह पे ताला लगा के बैठा था। और मैंने उसकी कॉल लिस्ट भी चेक की थी सर, सुबह 8 बजे के बाद उसे कोई भी फोन नहीं आया। लेकिन यहाँ उतरा क्यों? अच्छा, यहाँ से पहले बस कहीं रुकी थी क्या? हाँ साहब, पीछे ढाबे पर रुकी थी बस। ढाबे पे? क्या ढाबे पे बोला होगा? ढाबे पे उतरा था वो नीचे? नहीं साहब, वो तो चुपचाप बस में ही बैठा हुआ था।
ढाबे पे नहीं उतरा और यहाँ इस सुनसान जंगल में आके उतरा। ऐसी क्या खास बात है? कुछ ना कुछ तो खास बात है। लेकिन ऐसी क्या खास बात हो सकती है सर? हो सकता है यहाँ अंदर किसी लुटेरों का गैंग वगैरह जिसे ये काशी मिला हुआ था। अंदर चल के देखते। आप जरा गाड़ी में बैठे। जी सर। लेते हो यार तुम? सर बचपन से दोस्तों को डराता आ रहा हूं। सर सच में तो शेर नहीं है यार। सर वैसे यहाँ पे टाइगर्स तो है। अरे चलो कहीं कुछ हो ना जाए उसे। शेर, 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 बचाओ, बचाओ, बचाओ। कहाँ, कहाँ शेर है? हाँ किधर, किधर शेर है? इस शेर मुझे खाने वाला था। अरे है कहाँ? लेकिन दिखाई नहीं मैंने डरा के भगा दिया उसे। लेकिन चिल्लाने की आवाज तो तुम्हारी आ रही थी फ्रेंडी। इसीलिए तो भागा है वो। वह आगे आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे। फिर तुम इस गड्ढे में क्यों खड़े हो? अरे सर मैं कहाँ गड्ढे में खड़ा हूँ? ये गड्ढा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। इस गड्ढे में कुछ गड़बड़। गाड़ी में कुछ खोदने का सामान है, लेके आओ। संभाल के किनारे किनारे। लाश? हाँ अब थोड़ा लाश निकालने का भी काम करो। इधर उधर भाग रहे हो। पत्थर से मारा है। माय गॉड, ये देखिए सर, लगता है ये वही पत्थर है। फोन तो लगा हुआ है, इसी से मारा होगा। काम करो, इसकी जेब में चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन है ये। पूरा चेहरा बिगड़ गया है। ये क्या है? काशी का है ये। हम लोग सोच रहे थे कि अविनाश का खून काशी ने किया है। काशी तो यहाँ मरा पड़ा है, किसी ने इसको यहाँ पे बुलाया होगा। आइए सर, बैठिए बैठिए। बोले क्या खाएंगे सर? आलू पालक, आलू मटर, मनी मसाला। अरे बस 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 बस, खाने का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना तो लाज में सर, यहाँ का स्पेशल जो ठहरा सर। आइए ना, बैठिए ना सर। देखो छोटू, खाना बाद में खाएंगे, पहले थोड़ा काम। अरे वाह, आप तो मेरा नाम भी जानते सर। यहाँ के पुराने कस्टमर हैं क्या सर? अच्छा, पहचाना मुझे क्या? नहीं सर। कोई बात, इधर आ, ये फोटो दे। इस आदमी को देखा है यहाँ? नहीं सर, इससे मैंने देखा है। देखो ये आदमी कल यहाँ पर आया था दोपहर में। आप छोटू किसी को भूलता नहीं, वो सालों बाद भी आया तो उसे पहचान लेता सर, लेकिन इसको इसको नहीं देखा सर। क्या बात है, बड़ी अच्छी याददाश्त तुम्हारी। हो सकता है तुमने उसे बस में बैठे हुए देखा हो। साहब छोटू बस में नहीं जाता। यहाँ हर रोज इतनी भीड़ रहती है? आज तो कम है सर, इससे भी ज्यादा रहती। एक साथ में चार बस आके खड़ी हो जाती सर,
दो मुंबई के लिए, दो पुणे के लिए सर। ठीक है, समझा। अगर वो आदमी बस से नहीं उतरा तो हो सकता है कि कोई बस में गया हो काशी के पास, उसे ये बताने के लिए कि उसे कहाँ उतरना है, और जिसने बताया वो दूसरी बस पकड़कर निकल गया। हो सकता है। मगर सर, उसका पता कैसे चलेगा? चलेगा फ्रेडी, चलेगा। एक काम करो, पता लगाओ कि कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच यहाँ कौन कौन ट्रेवल एजेंसी की बस आई, उनकी पैसेंजर की लिस्ट निकालो। देखते उनमें से कोई ऐसा है क्या जो काशी की जान पहचान वाला हो। अगर काशी को मारना ही था और फिर उसकी लाश को कहीं पर छुपाना ही था तो खूनी ने उसका चेहरा बिगाड़ा क्यों? हाँ सर, काशी की लाश जहाँ पे मिली है वहां पे कोई आता जाता नहीं है। अगर लाश को वैसे ही छोड़ देता तो भी शायद किसी को पता नहीं चलता। सर, कहीं ये लाश किसी और की तो नहीं है? पता लगाने का एक ही तरीका है, काशी के बेटे के डीएनए के साथ इस लाश का डीएनए मैच करके देखो। इसके लिए किसी भी तरह से काशी के बेटे से कुछ सैंपल उठा। सर, काशी जिस बस में बैठ के मुंबई से पुणे की तरफ जा रहा था और वो बस जिस ढाबे पे रुकी वहां पे जितने भी पैसेंजर्स आए थे उनकी लिस्ट मिल गई। गुड, सभी लोग हैं इसमें? हाँ, तकरीबन सभी लोग। सर, ये देखिए, मीना, काशी की बीवी का नाम भी तो मीना है। मीना? कहीं ये वही मीना तो नहीं? हो भी सकती है सर। अगर ये वही मीना है तो एक बड़ी अजीब बात है, जब काशी मुंबई से पुणे जा रहा था तब ये मीना पुणे से मुंबई आ रही थी। और से काशी के बारे में सब कुछ मालूम है? बोल रही थी कोई जानती नहीं। दाल में काला है सर। दाल में काला नहीं फ्रेडी, दाल जल चुकी है। इस काशी की बीवी मीना से पूछताछ करो। स्कूल जाते हो? क्या नाम क्या है आपका? चिंटू। चिंटू, बड़ा प्यारा नाम है। चिंटू, आप कितने साल के हो? अरे बाप रे, चिंटू 4 साल का है। क्या बात है। निकले, काम करो, चिंटू को चॉकलेट दिला के। आजा चिंटू बेटा, आजा आजा, चॉकलेट। नहीं नहीं, रहने दीजिए। जब चॉकलेट दिला के लाएगा तब तक हम आपसे थोड़ी बात कर लेंगे। जा जा, देखे जा। मीना जी, आप पुणे गई? गई थी। किस लिए गई थी आप? मेरे रिश्तेदार के वहाँ गई थी। झूठ, आप सरासर झूठ बोल रही हैं। हमने पता किया, पुणे में आपके कोई रिश्तेदार नहीं रहते हैं। ये झूठ किसने कह दिया? मेरे रिश्तेदार पुणे में रहते हैं। झूठ किसी और ने नहीं, झूठ तुम बोल रही। बोलो, किससे मिलने गई थी? मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। दो स्कूल में, स्कूल जाने लायक तो एक ही बच्चा है, दूसरा तो बहुत छोटा है, क्या चक्कर है? मीना जी, आपके कितने बच्चे हैं? 3। 3? 2 बच्चे तो थे, ये तीसरा कहाँ है? वो पुणे में है। और ये काशी भी पुणे गया था ना? क्या? काशी भी पुणे गया था? ये बात आप भी जानती है ना? अगर मैं जानती तो मैं चिंता नहीं करती काशी। ये चिंता तो सिर्फ एक दिखावा है। जिस दिन काशी पुणे गया था उसी दिन तुम पुणे से मुंबई आई थी, है ना? हाँ। सर, लिए क्या किया? मैंने तुमको बोला था चॉकलेट दिलाओ, तुमने लॉलीपॉप दिला दी। सॉरी सर, वो बच्चा जिद कर रहा था इसलिए लॉलीपॉप दिला दिया। क्या कर रहे हो, लॉलीपॉप से दांत खराब हो जाएंगे इसके। सर, मेरे पास चॉकलेट है। सर, चॉकलेट है ना, तो इसको चॉकलेट दो और ये लॉलीपॉप ले लो। लॉलीपॉप देना अंकल को। लो बेटा, ये ले लो। अरे ये मुझे दे दो। मीना जी, एक बात याद रखना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। हम फिर आएंगे आपसे मिलने। आज मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में डीएनए टेस्ट करके पता लग जाएगा कि ये लाश काशी की है या नहीं। मगर सर, आपको डीएनए टेस्ट करने में 3 दिन लगते हैं। हाँ दया, लेकिन बेसिक डीएनए का तो जल्दी पता चल जाता है।
बॉस। ये एक जेल जैसा है, इसी से डीएनए का पता चलेगा। सर, ये जो नंबर्स और अल्फाबेट्स है उसके नीचे जो इंद्रधनुष जैसा ग्राफ बना हुआ है, यही है ना डीएनए? बिल्कुल। अब इस डीएनए को हम इस लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखेंगे। डॉक्टर तारिका सर, डॉक्टर तारिका इस डीएनए को जरा लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखो। मैच होते हैं क्या? नंबर नोट करो, DRY I01567 HGT JHGSF 22345। मैच करो। नहीं सर, ये डीएनए मैच नहीं हो रहा है इस लाश के डीएनए से। देखा था, ये काशी नहीं है, ये काशी हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अपने आप को छुपाने के लिए उसने किसी और का खून किया ताकि लोगों को लगे ये काशी मर गया और खुद पुणे में जाकर बैठ गया है। सो उसका तीसरा बेटा भी उसके साथ ही होगा पुणे में। अगर सर ये है कौन जिसे काशी ने मारा है? ये तो काशी को ही मालूम है। एक काम करो, इस काशी की बीवी पर नजर रखो, ये काशी जरूर अपनी बीवी से मिलने जाएगा या फिर उसकी बीवी उससे मिलने आएगी। भेलपुरी पानीपुरी 5 रुपए भाई साहब, आइए खाइए 5 रुपए। बेटा भ्रमा गया, बेटा खाते जाओ, बहुत बहुत बढ़िया बनाएंगे। 5 रुपए 5 रुपए तुम जाओ कम दे देना, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 आ जाओ खा लो। अरे सुन तो लो, अरे 5 रुपए 5 रुपए बहन जी बनाए क्या? क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी मम्मी मुझे पानीपुरी खाना है। पानीपुरी खाने से गला खराब होगा? नहीं होता है मुझे। पानीपुरी अच्छी नहीं होती है बेटा। बेटा फल खाएगा ना? हाँ। अरे ओ भैया। हाँ बहन जी। जरा यहाँ पे आना, जरा 2-3 सेब देना, आ जाइए। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। निखिल तुमने देखा ये फ्रूट वाला अंदर जाके बैठ गया? ये फ्रूट का मामला नहीं है, ये कुछ और ही है। ₹5 इस मीना पे नजर रखो, मैं इस फ्रूट वाले के पीछे जाता हूँ। बताता हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जा, यहाँ से जाना मत कहीं। हाँ हाँ जी, मैं बोल, हाँ मैं बोल रहा हूँ।
अच्छा ठीक है ठीक है, जैसा आप बोलो वैसा करता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, माँ हूँ उसकी मैं। अरे तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है, 9 महीने तक मैंने पेट में रखा है। मैं वहां पहुंच रही हूँ बस, और वहां पहुंचने से पहले मुझे मेरा बेटा चाहिए, नहीं तो देख लेना कि मैं क्या करती हूँ। टैक्सी टैक्सी, मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं भाई, मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, जादू हो गया भाई जादू। जैसे ही मैंने फोन लेके मुंह घुमाया पलट के देखता तो चिंटू गायब था भाई, चिंटू गायब था। झूठ बोलता है तू, थोड़े से पैसों के लालच में तूने मेरे बेटे को गायब कर दिया। काशी मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए पैसा, चाहे तू अपने हीरा को बेच। तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा हीरा, एक बार मेरी बीवी को यहाँ आ जाने दे। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बीवी अभी तक क्यों नहीं आई, वो तो बहुत देर पहले ही फोन की थी आने को। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। काशी देख, सीआईडी पहले से पीछे लगी हुई है, अगर वो यहाँ पर आ गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे प्लान चौपट होता है तो होने दे, मुझे मेरी बीवी और बच्चे जान से प्यारे हैं, वो एक बार यहाँ आ जाए उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगा। तो ठीक है, तेरा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। मुझे दे दे, मुझे दे, चल चल चल।
बाहर निकलो सीआईडी वालों, नहीं तो तुम्हारे साथी का भेजा उड़ा दूंगा। देखो मैं तीन तक गिनूंगा, एक दो तीन, जा गन उठा। चलो उठ, उठ। चल चलो ऊपर। बच्चे कहाँ है? हमारे बच्चे कहाँ है? अरे दोनों बच्चे कहाँ है? बोलो ना बच्चे कहाँ है? मम्मी मेरे साथ चालाकी की है, सीआईडी को तूने बुलाया, मैं तो तुझे जान करवा दूंगा। सीआईडी को कोई बुलाता नहीं है, सीआईडी खुद पहुंच जाती है। हमारे यहाँ तो ही सर अविनाश का खून हुआ है। क्यों क्यों मारा उसे? मैं और काशी मिलके चोरी चोरी हीरो का धंधा करते थे, ये बात अविनाश को मालूम चल गई थी और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को बताने के लिए निकल पड़ा, मगर उसे ये पता नहीं था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी हमारे साथ मिला हुआ है। तो तुम तीनों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया है? अविनाश को बिल्डिंग में इसने बुलाया सर, काशी ने। अविनाश बहुत विश्वास करता था इस पे, है ना? मैं जो भी बोलता था वो मान लेता था, आज तक उसने मुझे कभी ना नहीं किया था। तो विश्वासघात किया तुमने है? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पैसों के लालच में मैं सब कुछ भूल गया। कीले गाड़ दी तुम लोगों ने उसके सिर में। सर वो धमकी देने लगा था, पुलिस के पास जाने की बातें करने लगा वो। सब हमने उसे बहुत समझा है, वो हमारा हीरो का बैग लेके सर भागने लगा। तो तुम लोग उसके पीछे भागे और जैसे ही वो सड़क पे आया बेचारा कार से टकरा गया। साहब हमारी किस्मत अच्छी थी, वो लड़के अविनाश को उठा के ले गए और वो बैग वहीं पे रह गया। वो कौन था जिसे मार के तुम दोनों ने जंगल में गाड़ दिया? वही कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। अरे तो उसे क्यों मारा तुम लोगों ने? वो तो तुम लोगों का साथी था ना। मेहनत करते थे हम और माल खाता था वो। और तुम्हारी बीवी मीना, वो भी सब में मिली हुई थी? हाँ सर। ना तुम लोग घर के रहे ना घाट के, ना तुम्हें वो हीरे मिले और ना अब तुम्हारी जिंदगी कटेगी आराम से, जेल में सड़ते रहोगे उम्र भर अगर फांसी नहीं हुई तो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.